Hello everyone, welcome back to the Modern English. I'm your friend Amit. Amit here. I'm the director and the founder of Modern English Bhopal. अब अंग्रेजी बोलना आसान है दोस्तों. आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम बहुत सारी जो वेजिटेबल्स हम जो डेली खाते हैं उनके नाम हमें इंग्लिश में नहीं पता होते तो हम इंग्लिश में बोल भी नहीं सकते हैं. यस तो जैसे मैं आपसे कहूँ गवार फली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लौकी को क्या बोलते हैं, कद्दू को क्या बोलते हैं, शायद आपको पता हो और शायद आपको पता ना हो. तो चलिए आज कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो वेजिटेबल्स जो हम खाते रहते हैं अक्सर उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं उनको हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं. चलिए शुरू करते हैं. तो हम आज सीखने जा रहे हैं वेजिटेबल्स के नाम इंग्लिश में. चलिए पहली हमारी वेजिटेबल है चुकंदर. मुझे आई होप आपको पता होगा क्या बोलते हैं गाइस, बीट रूट. BEETROOT, बीट रूट का मतलब होता है चुकंदर. नेक्स्ट वर्ड हमारा पत्ता गोभी. पत्ता गोभी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है गाइस, पत्ता गोभी को इंग्लिश में बोला जाता है कैबेज. कम ऑन, क्या बोलते हैं गाइस, कैबेज. अभी आपको छोटा लग रहा होगा, चलो जरा बड़ा करके मैं आपको बता देता हूँ. तो गाइस पत्ता गोभी को इंग्लिश में कहा जाता है, क्या कहा जाता है गाइस, कैबेज. कैबेज मतलब क्या होता है गाइस, पत्ता गोभी. नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट वेजिटेबल हमारी करेला. करेला को इंग्लिश में कहा जाता है बिटर गॉड. कम ऑन, क्या बोलते हैं गाइस, बिटर गॉड. बिटर गॉड मतलब क्या होता है, करेला. नेक्स्ट वर्ड हमारा काली मिर्च. काली मिर्च को इंग्लिश में कहा जाता है ब्लैक पेपर. कम ऑन, क्या बोलते हैं गाइस, ब्लैक पेपर. नेक्स्ट देखते हैं लौकी. लौकी एक बॉटल की तरह होती है इसलिए उसको कहा जाता है बॉटल गॉड. कम ऑन एवरीबॉडी, क्या बोलते हैं गाइस, बॉटल गॉड. बॉटल गॉड मतलब क्या होता है गाइस, लौकी. नेक्स्ट वर्ड लेने की हम लोग कोशिश करते हैं. नेक्स्ट वर्ड हमारा पंपकिन. कद्दू. कद्दू के इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पंपकिन भी बोलते हैं. और एक दूसरा वर्ड है जो शायद आपको ना पता हो जिसे हम बोलते हैं एश गॉड. कम ऑन गाइस, क्या बोलते हैं गाइस, एश गॉड. एश गॉड या पंपकिन दोनों का मतलब होता है कद्दू. नेक्स्ट वर्ड हमारा बैगन. बैगन को इंग्लिश में कहा जाता है ब्रिंजल. क्या बोलते हैं गाइस, ब्रिंजल. अंडे जैसा दिखता है इसलिए इसको एग प्लांट भी कहा जाता है. और एक वर्ड है जो आपको शायद ही पता हो, ओबरजीन. ओबरजीन का मतलब भी क्या होता है, ओबजीन का मतलब भी होता है गाइस, बैगन. कुछ और हम इंटरेस्टिंग वेजिटेबल्स के नाम देखते हैं. पहला क्या लिखा गाइस, शिमला मिर्च. शिमला मिर्च को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, आई होप आपको पता होगा, कैप्सिकम. वेरी नाइस. बेल पेपर भी कहा जाता है और कैप्सिकम भी, जो आपको अच्छा लगे आप उसको यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड है गाजर. पक्का पता होगा क्या बोलते हैं, खरगोश खाता है कैरेट्स. गुड. फूल गोभी. फूल गोभी को इंग्लिश में कहा जाता है कॉलीफ्लावर. कम ऑन, क्या बोलते हैं, कॉलीफ्लावर. हरी मिर्च को कहा जाता है, क्या कहा जाता है गाइस, ग्रीन चिली. चिली मतलब मिर्च और हरी मतलब ग्रीन. तो लाल मिर्च को क्या बोलेंगे, बिल्कुल सही, रेड चिली. क्या बोल देंगे गाइस, रेड चिली. कुछ लोगों को चिली बहुत पसंद आती है, मुझे तो दिक्कत होती है. वेल नेक्स्ट लिखा है गवार फली. गवार फली को इंग्लिश में कहा जाता है क्लस्टर बीन्स. कम ऑन, क्या बोलते हैं गाइस, क्लस्टर बीन्स. या इसको फ्रेंच बीन्स भी कहा जाता है. नेक्स्ट वर्ड है मक्का. पक्का पता होगा आपको क्या बोलते हैं, कॉर्न. इंडियन कॉर्न भी होता है, मेज भी बोलते हैं इसको. मेज बेसिकली अमेरिका में बोला जाता है अमेरिकन इंग्लिश में, और इंडिया में और बाकी कंट्रीज में कॉर्न बोला जाता है. खीरा, ककड़ी, ये तो पक्का पता हो, क्या बोलते हैं गाइस, ककम्बर. वेरी नाइस. तो ककड़ी को इंग्लिश में कहा जाता है ककम्बर. क्या बोला जाता है गाइस, ककम्बर. कुछ और देखने की कोशिश करते हैं. नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है जो हम लोग सीखने वाले हैं वो क्या है गाइस, कटहल. कटहल आप खाते होंगे शायद, इसको कहा जाता है डेकन. कम ऑन, क्या बोलते हैं, डेकन. नेक्स्ट है मखाना. मखाना शायद ही आपको पता हो, इसको इंग्लिश में कहा जाता है फॉक्स नट. धनिया आप लोग यूज करते हैं खाने में, धनिया को इंग्लिश में बोलते हैं कोरिएंडर. कम ऑन, क्या बोलते हैं, कोरिएंडर. और आपके पास अगर धनिया नहीं होती तो आप धना का वो एक पिसा हुआ कुछ पाउडर रहता है उसको बोलते हैं कोरिएंडर पाउडर, उसको भी डाल सकते हैं, यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट तुलसी. कुछ लोग तुलसी यूज करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, बेसिल. नेक्स्ट वर्ड है सेमी. सेमी ये होती है वो लगभग मटर की जैसी होती है, उसको बोलते हैं बीन. क्या बोलते हैं गाइस, बीन्स. नेक्स्ट है लहसुन. लहसुन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आपको पता होगा कुछ लोगों को, गार्लिक कहा जाता है. क्या कहा जाता है गाइस, गार्लिक. चिप्स भी कहा जाता है. नेक्स्ट हम देखने की कोशिश करते हैं, मटर को क्या कहा जाता है, ग्रीन बीन्स. सरसों को ग्रीन मस्टर्ड. प्याज को क्या बोलते हैं, अनियन. अगर हरा होगा तो ग्रीन अनियन. जायफल को क्या बोल सकते हैं गाइस, या कटहल को क्या बोल सकते हैं, जैक फ्रूट भी कहा जाता है. भिंडी को लेडी फिंगर कहा जाता है. नींबू को क्या कहा जाता है गाइस, लेमन, आपको पता होगा. और तुलसी को मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, बेसिल कहा जाता है. कम ऑन गाइस, क्या कहा जाता है गाइस, बेसिल. तो ये थे गाइस कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड्स
वेजिटेबल से रिलेटेड और भी लगातार वोकैबुलरी देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। गाइस बेल आइकन हिट नहीं किया तो आपसे नोटिफिकेशन मिस हो सकते हैं इंपॉर्टेंट वीडियोस जो आपको इंग्लिश सीखने में हेल्प कर रहे हैं, तो मिस ना हो पाए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अच्छा लगा तो दोस्तों को भी शेयर करना मत भूलिएगा। बाकी बातें करेंगे ब्रेक के बाद। कीप स्पीकिंग इंग्लिश एंड कीप वॉचिंग आवर मॉडर्न वीडियोज। बाय बाय।